हे गाइस, दिस इज़ फ्यूचर मोबिलिटी। माय नेम इज श्रेयस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्सिडीज़ EQS SUV के बारे में। अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो लाइक मी, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। सो दिस इज़ योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल थिंग्स EV। मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। प्लीज़ ऐसा मत करो यार। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कॉन्टेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊंगा। मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियोज़ ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे और वो मेरे वीडियोज़ को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे। सो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट ऑन विथ टूडेज वीडियो। Mercedes has been on a roll since last few years और उन्होंने अब तक कुछ बहुत ही बेहतरीन EVs और कुछ बहुत ही futuristic EV concepts को दुनिया के सामने showcase किया है। And there should be no doubt that they will keep on upping their innovation and keep on exploring into different body styles and segments। अब तक Mercedes ने EQC, EQS sedan, EQXX EV concept, EQG concept, जो एक्चुअली उनके जी वैगन का ही इलेक्ट्रिक वर्जन है, EQA, EQT और ऐसे और कई EV कॉन्सेप्ट्स को शोकेस किया हुआ है। और इन आइडियाज से हमें मर्सिडीज के डिज़ाइन और इनोवेशन के प्रोग्रेस का पता लग जाता है। और अब इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स और प्रोडक्शन रेडी EVs के बीच में हमें कुछ दिन पहले मर्सिडीज की तरफ से एक अपकमिंग EV का अनवेलिंग देखने को मिला। एंड दैट EV इज द मर्सिडीज EQS SUV। मर्सिडीज का ये मूव काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल था। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, मर्सिडीज उनके मेबाग लाइनअप में सिडान और SUV दोनों ऑफर करते हैं, उनके S लाइनअप में भी सिडान और SUV है। सो इट वॉज काइंड ऑफ ऑब्वियस टू एक्सपेक्ट एन EQS SUV फ्रॉम मर्सिडीज, जहाँ पर EQS में मिलने वाले सारे फीचर्स को एक SUV के पैकेज में ऑफर किए जाएंगे। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट एंड सी व्हाट ऑल फीचर्स विल गेट टू सी इन द अपकमिंग EQS SUV, और जानते हैं कि इसमें से कौन से फीचर्स इस SUV को EQS सेडान या सलून से वेरी करते हैं। सो एज ऑलवेज लेट्स स्टार्ट विद द लुक्स फर्स्ट। तो मर्सिडीज EQS SUV इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू द EQC। आई मीन डायमेंशंस के मामले में ये थोड़ी सी बड़ी है एंड इट लुक्स मोर इम्पोजिंग एंड मोर स्टाइलिश विथ इट्स ओवरऑल डिज़ाइन। इस EV को फ्रॉम द ग्राउंड अप बिल्ड किया गया है और इसमें बहुत सारे EV स्पेसिफिक फीचर्स को ऐड किया गया है, लाइक द LED DRL जो बॉनेट के फ्रंटल टॉप पोर्शन को कवर कर देता है, एंड इट गेट्स क्लोज ग्रिल जस्ट लाइक अदर इलेक्ट्रिक मर्क्स। और इसके ग्रिल में ठीक सेंटर में मर्सिडीज का लोगो प्लेस कर दिया है और उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे डिज़ाइन बिट्स को रखा गया है जो मर्सिडीज के 3 pointed स्टार्स से ही बने हैं। EQS SUV के हेडलाइट्स में ट्रायंगुलर LED बार्स को प्लेस किया गया है, जिससे इस गाड़ी को एक स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक मिल जाता है। इट ऑल्सो हैज़ 2 big एयरवेंट्स ऑन बोथ साइड्स, लेकिन वो फंक्शनल एयरवेंट्स है या नहीं इस बारे में हमें इस वक्त कोई ठोस जानकारी नहीं है। बट अगर ओवरऑल फ्रंट लुक की बात करें तो EQS SUV एक्चुअली EQS सेडान या फिर सलून का ही लिफ्टेड वर्जन लगती है। नाउ अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो मर्सिडीज EQS साइड से बहुत ही लॉन्ग दिखाई पड़ती है, और इसकी वजह है इसका व्हील बेस जो EQS सेडान जितना ही है, लेकिन इसकी लेंथ उस गाड़ी से थोड़ी कम है। मे बी बिकॉज EQS SUV में हमें रियर बूट नहीं दिया गया है, बट दिस बींग एन SUV
इसमें हमें ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और हाइट मिल जाती है। इसमें किस साइज़ के व्हील्स ऑफर किए गए हैं ये मुझे इस वक्त पता नहीं है, बट इन द फ्यूचर मैं उसे डिस्क्रिप्शन में कहीं डाल दूंगा। इसमें फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं एंड द विंडो लाइन फॉलोज अ ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट, जिससे इस ईवी को ड्यूअल टोन कलर मिल जाता है। इसका स्लोपिंग डिज़ाइन काफ़ी हद तक एरोडायनामिक्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसके एरोडायनामिक होने की वजह से EQS SUV की रेंज भी काफ़ी इंप्रेसिव नंबर्स के साथ इस गाड़ी की एक USP बन जाती है। बट वील गेट टू दैट पार्ट अ बिट लेटर। EQS SUV का रियर बहुत ही सिंपल रखा गया है एंड अगेन इट कम्स विथ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ LED एट द रियर विथ मर्सिडीज लोगो इन द मिडल एंड इट हैज़ अ रियर टेलगेट जहाँ से इसका बूट एरिया एक्सेस किया जा सकता है। सो फ्रॉम द साइड्स एंड रियर द EQS SUV लुक्स वेरी बिग एंड बल्की एंड इट कैरीज फॉरवर्ड दैट टिपिकल मर्सिडीज डिजाइन थीम। सो नाउ दैट वी हैव कवर्ड द एक्सटीरियर ऑफ दिस EV, लेट्स टॉक अ बिट अबाउट हाउ दिस EV फील्स फ्रॉम द इनसाइड। तो मर्सिडीज EQS SUV का इंटीरियर काफी हद तक EQS सेडान जैसा ही है, बट इट इज अ बिट हायर एंड इट शुड प्रोवाइड द ड्राइवर विथ अ गुड कमांड ओवर द रोड विथ दैट टावरिंग फीलिंग वाइल ड्राइविंग। इसमें हमें वही लॉन्ग पीस ऑफ LED स्क्रीन देखने को मिल जाता है जिसे मर्सिडीज ने हाइपर स्क्रीन ऐसा नाम दिया हुआ है। ऑल्सो इट हैज़ सिमिलर कलर थीम्स कैरिड ओवर थ्रू द होल कैबिन। इसमें हमें नेपाल लेदर का इंटीरियर देखने को मिल जाता है एंड द इंटीरियर इज ऑल वीगन। इसमें वही ड्राइवर्स डिस्प्ले दिया गया है जो EQS सेडान में मिल जाता है। एंड देयर इजंट मच न्यू टू सी इन दिस EV क्योंकि इस पूरे इंटीरियर को मैंने ऑलरेडी EQS सेडान की वीडियो में कवर किया हुआ है, और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो टेंशन मत लो, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। ऑल्सो EQS SUV इज अ 7-सीटर SUV, तो उसमें फैमिली को बिठाकर लॉन्ग ट्रैवल करना भी बहुत इजी हो जाएगा। नाउ लेट्स गेट टू द इम्पोर्टेंट बिट्स अबाउट दिस EV, विच आर द परफॉर्मेंस, बैटरी पैक, रेंज एंड सम अदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो मर्सिडीज EQS SUV में हमें दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक लोअर स्पेक वेरिएंट है जिसका नाम रखा गया है 450+, और इसमें हमें सिंगल मोटर रियर व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को मिल जाती है जो 360 हॉर्स पावर और 568 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस वेरिएंट को 0-60 mph या फिर 0-98 kmph का एक्सेलरेशन अचीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6.2 सेकंड्स का टाइम लग जाता है, विच इज इम्प्रेसिव व्हेन यू एड इन द फैक्ट दैट दिस इज एन SUV। बट इफ यू आर इम्प्रेस्ड बाय दिस नंबर्स, योर माइंड्स आर गोना बी ब्लोन जब मैं आपको इसके हायर ट्रिम के बारे में बताऊंगा। तो इसके हायर ट्रिम का नाम है 580, जिसमें हमें इस EV के फ्रंट और रियर दोनों एक्सल पर 1 motor each देखने को मिल जाएगी एंड दिस ड्यूअल मोटर सेटअप विल प्रोड्यूस 544 हॉर्स पावर एंड अ माउंटेन मूविंग 858 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इस वेरिएंट को 0-60 kmph का एक्सेलरेशन अचीव करने में फ्रिकिन 4.7 सेकेंड्स लगते हैं एंड इट शुड फील लाइक अ थ्रोबैक इन योर सीट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस व्हाइल रिपिंग दिस EV ऑन फुल पावर। मर्सिडीज EQS सेडान का एक फीचर मुझे पर्सनली बहुत ही यूजफुल लगा था एंड दैट फीचर वॉज द रियर व्हील स्टेयरिंग, जिससे उस EV को किसी भी तरह के ट्रिकी ड्राइविंग कंडीशन में स्टीयर करना इजी हो जाता है। एंड गेस व्हाट, EQS SUV में भी वो वाला फीचर ऑफर किया गया है, जिससे ये EV एकदम क्राउडेड स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में भी आसानी से निकल सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कार्स बैटरी एंड रेंज, तो EQS SUV में हमें 108 kWh का बैटरी पैक देखने को मिल जाता है जो 450+ में 370 माइल्स या फिर 595 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर करती है। इसमें 200 किलोवाट तक की DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, जिससे इस EV को 10-80% तक चार्ज करने में सिर्फ
31 मिनट्स का टाइम लग जाता है। मर्सिडीज EQS SUV में एयर सस्पेंशन दिया गया है जो इसके राइड हाइट को ऊपर या नीचे करने में हेल्प करता है इन सिचुएशंस लाइक ऑफ रोडिंग एंड ड्राइविंग अराउंड टाउन विद ब्रोकन रोड्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस EV, यानी EQS SUV की प्राइस। तो एज ऑफ नाउ हमें इसकी इंडियन प्राइसिंग पता नहीं है, लेकिन मेरा गेस है कि ये शायद 1.5 करोड़ से ऊपर के प्राइस पॉइंट पर ही प्लेस की जाएगी और ये EV जैगुआर आईपेस और BMW iX जैसे EVs को हेड ऑन कंपटीशन देगी। अब ये SUV आने वाले समय में AMG और Maybach अवतार में भी देखने को मिल सकती है। बाकी मर्सिडीज और किस तरह के बॉडी स्टाइल्स के साथ नई नई EVs को ऑफर करेंगे ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। आपके मर्सिडीज EQS SUV के बारे में क्या ओपिनियंस है और क्या आप इस EV को खरीदना पसंद करोगे? आपके ओपिनियंस मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आज का वीडियो आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।